दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर कसा ताना। अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, पिछले दिनों इन्होंने हमारे दिल्ली के 7 MLAs को संपर्क कर कहा है कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद MLAs को तोड़ेंगे। 21 MLA से बात हो गई है, औरों से भी बात कर रहे हैं, उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे। आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। हालांकि उनका दावा है कि उन्होंने 21 MLA से सिर्फ संपर्क किया है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने अभी तक 7 MLAs को ही संपर्क किया है और सबने मना कर दिया। इसका मतलब किसी शराब घोटाले की जांच के लिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। पिछले 9 सालों में हमारी सरकार गिराने के लिए इन्होंने कोई षड्यंत्र किए, लेकिन इन्हें कोई सफलता नहीं मिली। भगवान ने और जनता ने हमेशा हमारा साथ दिया, हमारे सभी MLA भी मजबूती से साथ हैं। इस बार भी ये लोग अपने नापाक इरादों में फेल होंगे। ये लोग जानते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए हमारी सरकार ने कितने काम किए हैं। इनकी पैदा की गई तमाम अड़चनों के बावजूद हमने इतने काम किए हैं। दिल्ली की जनता आपसे बेइंतहा प्यार करती है, इसलिए चुनावों में आपको हराना इनके बस की बात नहीं। तो एक फर्जी शराब घोटाले के बहाने गिरफ्तार करके सरकार गिराना चाहते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को कई समन भेजे जा चुके हैं, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के ऐसा लिखने पर दिल्ली बीजेपी की स्पोक पर्सन प्रीति अग्रवाल लिखती है, आपके किन 7 MLA को संपर्क किया गया था, नाम बताएं। उनसे भाजपा की तरफ से किसने संपर्क किया था, उसका नाम बताएं। आपके विधायकों से किस माध्यम से संपर्क किया गया था, फोन, व्हाट्सएप, ईमेल या कुछ। मैं आपको चुनौती देती हूं कि इसका सबूत आप जनता के सामने रखें। हालांकि अरविंद केजरीवाल के बीजेपी के लिए ऐसा लिखने पर आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें।